फिनिक्स की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आ रही है और पूरी दुनिया से भी कि पूरे एशिया में 6 नंबर पे इन्फिनिक्स आता है बेस्ट इनोवेशन स्मार्टफोन में। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा डिवाइस है जो बिकता होगा? पता है तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। वो सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra। अब तक का ये जो फ़ोन है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ़ोन है। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको ये चीज़ पता था, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स मॉर्निंग में। काफ़ी जबरदस्त वीडियो डाल दिया आज का, ज़रूर देखिए। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग पोल कि आपके फ़ोन में कितने माइक है। 62% लोगों ने कहा 2 माइक है, कुछ 14-15% लोगों ने कहा कि 1 माइक है, कुछ 5% अल्ट्रा लेजेंड है जो बोलते हैं 5 माइक और उससे ज़्यादा। कौन है ये लोग, वो कौन सा फोन यूज कर रहे हैं आप बताइए कमेंट में। तो चलिए पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में लिंक प्राइवेसी फीचर्स आने वाला है जो टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें पिक्चर इन पिक्चर मोड भी शामिल होगा। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है RBI की तरफ से कि डिजिटल वॉलेट अगर आपके पास है और कोई गिफ्ट वगैरह है तो उसको UPI के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, गाइडलाइन जारी हुआ है। आपके पास ऐसा कुछ है गिफ्ट वगैरह जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं लेकिन वो शॉपिंग कर नहीं दे रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है ब्लट एनको की तरफ से। ये एक गेम है जो क्राफ्टन ने इसे बिल्ड किया है, वही जो BGMI और PUBG बनाया है। तो बुलेट इनको ये काफ़ी ज़बरदस्त गेम है, इस पर हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे खेलकर, और अच्छा लगेगा तो आपको वीडियो ज़रूर देंगे। स्टे ट्यून करिए इसके लिए, सब्सक्राइब करके। अगली अपडेट आ रही है एथर रिट्स की तरफ से। कल मैंने बैक डिज़ाइन दिखाया था, आज इसका साइट प्रोफाइल नज़र आया है लीक्स के हिसाब से, और इसका जो हेडलैम्प होगा वो LED इंडिकेटर के साथ देखने को मिलेगा और LED लाइट के साथ होगा। इस तरह की कुछ अपडेट है। क्या लगता है आपको, अगर ये आता है ₹1,00,000 के अंदर तो कैसा रहेगा ये स्कूटी आपके लिए, कमेंट में सर बताइए। अगली अपडेट आ रही है एलन मस्क के तरफ से, या फिर एक्स के तरफ से, मेरी एक्स नहीं, एक्स ट्विटर वाली एक्स। ऐसा बताया जा रहा है कि एलन मस्क भैया बोल रहे हैं कि ट्विटर में जो अभी चार्जेस लगता है उसको घटा दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा या फिर आप ट्विटर यूज़ करते हैं, कमेंट में सर बताइए। अगली अपडेट आ रही है अमेज़ॉन की तरफ से। ग्रेट फेस्टिवल सेल जो 9 अप्रैल से शुरू होगा अमेज़ॉन में, 65% तक का इलेक्ट्रॉनिक सामान पे डिस्काउंट रहेगा। AC वगैरह आप सस्ते दामों पे खरीद सकते हैं। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आप में से कितने लोग हैं जो नया AC बाय करने का सोच रहे हैं? वैसे गाइडलाइन वाला वीडियो हम दिए हुए हैं, उसके लिए स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल में, आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा। अगली अपडेट आ रही है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विशाल कैमरा, जिसका नाम है LSST। ये जो है 3200 मेगापिक्सल का है और 24 किलोमीटर दूर अगर गोल्फ का बॉल भी है तो उसका भी पिक निकाल के दे देगा। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है, आपने आज तक का सबसे बड़ा कैमरा कितने मेगापिक्सल का देखा है, कमेंट में जरूर बताइए। वक्त होता है आपके सवाल लेने का। अमित गुप्ता का सवाल है कि Realme 11 Pro में 120 हर्ट्ज वाला जो मैंने सेटअप दिया था वो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब सारे ऐप में 120 हर्ट्ज क्यों नहीं वर्क कर रहा? तो देखिए, ये जो सेटअप है ये AMOLED डिस्प्ले जिसमें जिस फोन में है और हाई रेंज में है, मतलब एंड्रॉयड 14 के साथ है, उसी में ये वर्क करेगा, बाकी में नहीं करेगा, और IPS पैनल में ये वर्क नहीं करेगा। इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi की तरफ से। Redmi का Band 9 ये जो है IMDS सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, साथ ही साथ Redmi का A3X भी, उसकी भी लिस्टिंग हुई इंडिया में, बहुत ही जल्दी आने वाला है। और सबसे कमाल की बात, 10 अप्रैल को चाइना में लॉन्च होने वाला है Poco का F6 और इंडिया में बहुत ही जल्दी उसके बाद देखने को मिलेगा, मे बी नेक्स्ट मंथ। उसके लिए स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब करके। अगली अपडेट आ रही है Realme की तरफ से। Realme का एक GT सीरीज में फ़ोन आने वाला है बहुत ही जल्दी, जब आएगा तो सारी डिटेल देंगे। वही Samsung के बारे में बात करते हैं तो Samsung का एक स्मार्ट वॉच आने वाला है जो Samsung का गैलेक्सी स्मार्ट FE करके कोई आने वाला है जो बहुत ही सस्ते दामों पर आएगा, under 10,000। इस तरह की कुछ अपडेट है। आप में से कितने लोग लेने का सोच रहे हैं, कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है व्यू की तरफ से। व्यू का V30 Lite 4G आज फोन जो है ग्लोबली लॉन्च हो चुका है ₹22,000 में। स्नैपड्रैगन 685 का इसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 50+2 का रियर कैमरा, 8 का सेल्फी, 5000mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग। कैसा लगा ये फ़ोन, और इंडिया में आता है तो आप लेने का सोच रहे हैं? वैसे under 20,000 आएगा तो ये फ़ोन आप बाय करेंगे, कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है गूगल Pixel 8a की तरफ से। इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लीक हो गई है। Tensor 3 चिप के साथ आएगा, 64+13 का रियर कैमरा, 13 का सेल्फी कैमरा, 4500mAh की बैटरी और 27W का फास्ट चार्जिंग।
इसमें OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ आएगा जो 6.1 इंच का होगा। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए? लीक्स के हिसाब से 42,000 रुपए बताया जा रहा है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है नथिंग की तरफ से। नथिंग का एयर और नथिंग एयर ए या गो बोल सकते हैं, दो TWS नथिंग की तरफ से आने वाला बहुत ही जल्दी जब आएगा तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म, सैटरडे था, ज़्यादा टेक न्यूज़ नहीं था। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।